वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों आज अपने पास एचपी का एक लैपटॉप आया है जो ऑन है, पर इसकी बैकलाइट नहीं जलने की वजह से जो ग्राफिक्स हैं बहुत स्लो दिख रहे हैं, यानी कि इसको हम डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिम्टम दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि इसको कैसे रिपेयर करना है। तो अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे ऑनलाइन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और शिवा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन है और हम चिप लेवल पे आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किस तरीके से 3 महीने के अंदर हम लैपटॉप को रिपेयर करें। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग करना सीखेंगे तो आपको 1000 रुपये से 2000 रुपये प्रतिदिन आप कमा सकते हैं और ये एक टेक्निकल स्किल है। अगर आपको हाथ का हुनर आता है तो आप अपने लिए अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको दिखाऊँ इसमें क्या सिम्टम्स है। तो देखेंगे मैं इसको पावर ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे पावर ऑन हो गया है। देखेंगे हमारा ऑन हो गया है और आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफिक्स मुझे दिख रहे हैं। और मैं एक बार दोबारा से इसको पावर ऑफ करके कंप्लीट दिखाता हूँ आपको। देखिए ये इस समय बंद हो गया है और जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो आपको यहाँ पे एचपी का लोगो दिखेगा। देखेंगे यहाँ पे एचपी का लोगो दिखेगा आपको। और ये जो प्रॉब्लम है इसकी बैकलाइट नहीं जलने की वजह से आपको यहाँ पे ग्राफिक्स नजर नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हमने इसको रिपेयर करना है, कैसे चेक करना है। और आप देखेंगे सबसे पहले ये जो डिस्प्ले हमारी 14 इंच की पेपर एलईडी है और यहाँ पे मैंने इस एलईडी की सिस्टमैटिक निकाल रखा है। और आप देखेंगे 30 पिन की हमारी एलईडी है और आप देखेंगे यहाँ पे पिन नंबर 27, 28, 29 ये हमारी जो है पावर सप्लाई है जो हमारी 5 वोल्ट से लेके 21 वोल्ट तक की ऑलवेज वोल्टेज आनी चाहिए। यानी कि जब हमारे लैपटॉप में अडेप्टर या बैटरी लगा है तो यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए। और इसके बाद इनेबलिंग पिन जो यानी कि जो बैकलाइट को ऑन करने के लिए पिन नंबर 22 है, BL इनेबल, BL से मतलब है बैकलाइट इनेबल। और आप देखेंगे पिन नंबर 23 PL PWM से मतलब है पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो हमने जो चेक करना है सबसे पहले पिन, तो आप देखेंगे यहाँ पे पिन नंबर 23 हमारी BL PWM है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट आना चाहिए। और पिन नंबर 22 पे BL इनेबल 3.3 वोल्ट आना चाहिए। अगर इनमें से कोई वोल्ट मिसिंग है तो हमारा मदरबोर्ड में और LVDS केबल में प्रॉब्लम होगा और अगर ये वोल्टेज आ रही है तो हमारी डिस्प्ले में प्रॉब्लम होगा। तो आप यहाँ पे देखें ये हमारा जो डिस्प्ले है 14 पॉइंट पेपर में है और 30 पिन का कनेक्टर है। तो इसकी जो पिन की काउंटिंग है वो यहाँ से है। तो यहाँ पे लास्ट वाली पिन है हमें चेक करनी है 18 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए अभी लैपटॉप मेरा ऑफ है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसको ऑन भी रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज रेंज पे रखता हूँ तो यहाँ पे बैटरी लगी है तो बैटरी के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज आएगी डिस्प्ले। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर को मैंने वोल्टेज रेंज पे रखा है और एक तार को मैंने ग्राउंड पे रखा है और डिस्प्ले कनेक्टर की जो लास्ट की पिने हैं तो देखिए यहाँ पे मुझे 13 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अडाप्टर लैपटॉप से ये VCC सप्लाई आ रही है जो बैकलाइट को जलाने के लिए होती है। अब मैंने इनेबल और PWM देखनी है पिन नंबर 22 और 23 पे। तो अभी मुझे इसको लेंस पे देखना होगा क्योंकि ये पिनें बहुत बारीक होती हैं। तो आप मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए, देखिए पिन नंबर 22 पे हमें 3.3 वोल्ट मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। अब इसके जस्ट बगल में 23 पिन को मैंने चेक करना है, यहाँ पे भी मुझे 3.3 वोल्ट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे 1.31 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब है लैपटॉप के द्वारा वोल्टेज कंप्लीट है, डिस्प्ले केबल भी ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है डिस्प्ले की है। तो अगर मुझे इसको क्रॉस चेक करना है तो यहाँ पे मैं दूसरी डिस्प्ले लगा कर चेक करूंगा। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे दूसरी डिस्प्ले लगा के क्रॉस चेक करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए मेरे पास यहाँ पे पुरानी डिस्प्ले है जो कि 15.6 में है और ये भी 30 पिन में है। तो मैंने बस ये देखना है कि मेरा बैकलाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे मैं अटैच कर लेता हूँ इसको और ये डिस्प्ले खराब है मेरी लेकिन इसमें बैकलाइट जो है वो जलेगी क्योंकि ये डिस्प्ले ब्लैंक थी। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो है डिस्प्ले ऑन हो गई है, यानी कि इस डिस्प्ले में ग्राफिक्स बन रहा है पर इसकी बैकलाइट नहीं जलने की वजह से ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। तो अब हमें जो काम करना है या तो नई डिस्प्ले डालनी है इसमें या फिर इसको रिपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप को शट डाउन कर देता हूँ।
देखिए लैपटॉप बंद हो गया है यहाँ पे और इस केबल को मैं निकाल लेता हूँ और अब मेन काम हमारा है इस डिस्प्ले को रिपेयर करना। तो आप देखेंगे वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको सीखने को मिले, जो बिगनर स्टूडेंट है उनके बहुत काम आएगा ये। तो यहाँ पे ऊपर की जो इसकी पैकिंग है इसको खोल लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो बूस्ट रेगुलेटर है वो काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से हमारी जो बैकलाइट है वो नहीं चल रही है। इसको आपने आराम से उतारना है। देखेंगे यहाँ पे मैंने इसकी पैकिंग को निकाल लिया है और बैक लाइट को जलाने के लिए आप देखेंगे हमारी एलईडी का पत्ता ये लगा हुआ है और इसका जो सेक्शन है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो बूस्ट वाला सेक्शन है ये लगा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे हमारा बूस्ट सेक्शन है, यहाँ पे PWM IC है, बूस्ट कॉइल है, डायोड है और आउटपुट कैपेसिटर है और यहीं से कनेक्शन हमारे एलईडी के बैकलाइट के लिए जाते हैं। तो इसको हम जरा अच्छे से ट्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एलईडी का ड्राइवर सेक्शन है जो अडैप्टर की वोल्टेज 18 वोल्ट को लेके 60 वोल्ट तक 25 वोल्ट तक जनरेट बनाता है, जिससे हमारी बैकलाइट जल सके। यानी कि यहाँ पे जो सेक्शन है बूस्ट सेक्शन है और बैटरी की वोल्टेज जो हमारी 12 वोल्ट आती है उसको भी बूस्ट करके बैकलाइट के लिए 50-60 के आसपास वोल्ट बनाना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी PWM IC है, ये हमारी कॉइल लगी है, ये डायोड लगा हुआ है और आउटपुट कैपेसिटर और आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूज लगा है। मैं चाहूंगा इस सेक्शन को आप जूम करके दिखाएं। देखेंगे यहाँ पे हमारा जो लगा हुआ है F2 लगा हुआ है, फ्यूज है और यहाँ पे हमारे डिस्प्ले कनेक्टर से जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर की पिन नंबर 27। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी पिन है 27, 28, 29 ये हमारी यहाँ पे F2 करके फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ तक आ रहा है। तो मैं मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे रख के चेक कराता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो पिन है एक मैंने डिस्प्ले कनेक्टर पे रख ली है और एक मैंने फ्यूज पे रखी है। तो देखिए यहाँ तक मुझे कंटिन्यूटी आ रही है, जबकि फ्यूज के आउटपुट में मुझे बीप नहीं आ रही है क्योंकि ये फ्यूज ओपन हो गया है। और अगर मैं इस तार को ग्राउंड पे रखूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूज का जो दूसरा सिरा है वो ग्राउंड हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जो 18 वोल्ट हमारी इस PWM IC में आ रही है और वो शॉर्ट है, या तो PWM IC शॉर्ट है या फिर इसके ट्रैक में लगे हमारे NPC जो कैपेसिटर होते हैं वो शॉर्ट है। तो आप देखेंगे ये इनपुट वाले कैपेसिटर हैं तो ये भी अपने आप को बीप दे रहे हैं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग है डेफिनेट। तो अब इसको शॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे अपने पास से 18 वोल्ट दूंगा, जो भी कंपोनेंट हीट होगा उसको मुझे रिप्लेस करना होगा। तो मैं अपनी DC पावर सप्लाई से वोल्ट इंजेक्ट करूंगा। मैं DC सप्लाई को ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं DC सप्लाई को 15-16 जितनी भी वोल्ट देना चाहूँ दे दिया है। और आप देखेंगे एक तार को ग्राउंड पे रखूंगा और यहाँ पे देखेंगे कि हमारी क्या चीज हमारी हीट हो रही है। तो मैं इस सप्लाई को फ्यूज के दूसरे साइड में दूंगा। तो देखेंगे जैसे मैंने सप्लाई दी तो यहाँ पे देखूंगा क्या चीज हीट हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दो NPC में से कोई ना कोई NPC शॉर्ट है। तो मैं यहाँ पे इन NPC को रिमूव करूंगा। तो देखेंगे यहाँ पे जो NPC लगे हैं इनको रिमूव करूंगा। रिमूव करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेटल रख लूंगा ताकि जो है हीट डिस्प्ले तक ना जा सके। इनपुट वाले कैपेसिटर लगे हुए हैं इनको रिमूव करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों NPC निकाल दिए हैं, हालांकि 1x1 निकालने चाहिए थे। तो अब हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे क्या मेरी शॉर्टिंग गई। अगर शॉर्टिंग गई तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए शॉर्टिंग मेरी गई, इसका मतलब यह है इन दोनों में से एक कैपेसिटर जो मेरा शॉर्ट है मैं इसको चेक करूंगा। देखिए ये कैपेसिटर मेरा ओके है। देखेंगे आप देखेंगे यहाँ पे जो ये वाला NPC है ये कंटिन्यूटी बीप दे रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर मेरा शॉर्ट है।
और ये वाला कैपेसिटर मेरा ओके है, तो मैं इसको लगा देता हूँ दोबारा से यहीं पे। तो देखेंगे यहाँ पे मैं जो मेरा ओके वाला एनपीसी था इसको सोल्ड कर दे रहा हूँ। और इस कोने से भी सोल्ड कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो है ये फ्यूज को मुझे रिमूव करके नया फ्यूज लगाना पड़ेगा कि अब फ्यूचर में जो है इसकी प्रोटेक्शन बनी रहे। और अभी चेक करने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शॉर्ट करूंगा। तो यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर लगा के इसको रिमूव करके इसके पॉइंटों को मैं मिला दूंगा ताकि मैं अभी चेक कर सकूं। देखिए यहाँ पे मैंने शोल्डर लगा दिया है और एक बार इसको चेक करूंगा प्रॉपर कि मेरी जो सप्लाई है, देखिए अब यहाँ तक तो आ रही है, आगे भी आ रही है, पर ये ग्राउंड नहीं है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या मेरी प्रॉब्लम ओके हुई। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं डिस्प्ले को लगा देता हूँ। देखिए अब मैं इसका पावर ऑन करता हूँ, देखते हैं कि क्या मेरी प्रॉब्लम ओके हुई। बिल्कुल देखेंगे मेरी जो प्रॉब्लम थी ओके हो गई है। इसमें शॉर्टिंग थी और लो कॉस्ट में आपकी ये रिपेयर हो गई है। अगर आप इसको नहीं लगाते तो मार्केट में 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए के बीच की डिस्प्ले है। अगर आप चिप लेवल की रिपेयरिंग सीखते हैं तो इस तरीके से आप अपने लिए 1000 रुपए से 2000 रुपए पर डे में इनिशियल लेवल पे कमा सकते हैं। और जैसे जैसे आप इस फील्ड में पुराने होंगे तो आप अपने लिए 5000 से 10000 रुपए तक की इनकम पर डे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे ऑनलाइन कोर्स से आप जुड़िए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और थैंक यू, धन्यवाद।